आज दिल्ली विधानसभा के अंदर एक नई कमेटी का गठन हुआ है जिसका नाम है कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी, और आज ही पहले दिन उसकी पहली मीटिंग जो है 3 बजे रखी गई जिसके अंदर मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की और मेंबर्स आपके सामने ही रहा, और कमेटी के अंदर चर्चा हुई कि क्या सबसे बड़ा कारण रहे कि इस तरीके के दंगे फसाद जो है देश में अलग अलग जगह हो रहे हैं और कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी इस तरीके के जो है फसाद देखे गए हैं, और मेंबर्स ने चर्चा की कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, खासतौर पे ट्विटर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बड़े लेवल पे घृणा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले फेक मैसेजेस भेजे जाते हैं। अक्सर वो मैसेजेस जो हैं वो गलत होते हैं, फेक न्यूज होती है, मगर लोग उनको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है उनको फैलाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको मानते हैं कि वो सच मैसेज है, और इसके कारण समाज के अंदर और कम्युनिटीज के अंदर नफरत और एनिमिटी, दुश्मनी की भावना बढ़ रही है। और ये एक बड़ी साधारण सी बात है कि दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत फैलाना जो है हमारे देश के क्रिमिनल लॉ के अंदर एक जुर्म है, ये क्रिमिनल एक्ट है जिसके लिए सजा का और जुर्माने का प्रावधान है। तो कमेटी ने इसके ऊपर चर्चा की और कुछ फैसले कमेटी ने किए। एक चीज तो ये कि कमेटी बड़े लेवल पे इस चीज को प्रचारित करेगी कि अगर आप कोई भी इस तरीके का फेक मैसेज जो दो समुदायों के बीच में दुश्मनी, एनिमिटी और नफरत फैलाता है वो फॉरवर्ड भी करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं या फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो इससे आपको 3 साल की सजा हो सकती है। इसको बड़े लेवल पे प्रचारित किया जाएगा अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अलग माध्यमों से और आप लोगों के माध्यम से, और जो भी आदमी इस तरीके का मैसेज देखता है किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो वो इस तरीके का मैसेज जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी इस विधानसभा की समिति को भेजे। हम इसके लिए एक नंबर और एक ईमेल आईडी बहुत जल्दी आप लोगों के माध्यम से देंगे, और इस तरीके की जो भी कंप्लेंट समिति के पास आएगी समिति उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर यह पाया जाएगा कि उसके अंदर कोई क्राइम बन रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट बन रहा है, तो उसको वेट करने के बाद या उसको देखने के बाद उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भेजा जाएगा कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसकी मदद के लिए समिति अपनी असिस्टेंट्स के लिए कुछ लोगों की मदद लेगी, जैसे कि एक लीगल एक्सपर्ट्स की टीम जो है कमेटी रखेगी, ताकि इस तरीके के जो भी कंटेंट समिति के पास आते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, तो उसके कंटेंट को हम देख के वो लोग हमें बताएंगे कि इसके अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक एजेंसी समिति अपने पास हायर करेगी, उनकी जो है सहायता लेगी, जो फैक्ट चेकिंग करेगी, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काफी न्यूट्रल मानी जाती हैं और काफी उनकी प्रसिद्धि है देश के अंदर इंटरनेशनली, जो किसी भी खबर के बारे में बताते हैं कि वो खबर असली है, फैक्ट बेस्ड है, या वो नकली खबर है, एक फेक न्यूज है। तो इस तरीके की एक एजेंसी को भी आइडेंटिफाई करके हम उनकी सर्विसेज भी लेंगे, ताकि समिति को पता चले कि नकली खबर जो है कौन फैला रहा है और किस तरह से ये फैल रही है। और समिति ने ये फैसला भी लिया है कि हम कुछ रिटायर्ड पुलिस के आला अधिकारियों को भी समिति के अंदर जो है उनकी सर्विसेज लेंगे, क्योंकि उनके पास भी लॉ एनफोर्समेंट का और इन्वेस्टिगेशन का एक अच्छा लंबा तजुर्बा होता है, तो वो समिति के मेंबर्स को और समिति को असिस्ट करेंगे कि कैसे किस किस मामलों के अंदर किस किस तरीके से जो है लोगों को, जिन्होंने जो गड़बड़ी फैला रहे हैं और इस तरीके का क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं,
उनको सजा दी जाए। अच्छी बात यह है कि समिति के मेंबर्स ने खुद इस तरीके के वाक्यात शेयर किए जिसके अंदर दोनों ही कम्युनिटीज़ के अंदर हिंदू कम्युनिटी के जो मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी जो ग्रुप्स हैं, उन दोनों ही कम्युनिटीज़ के अंदर इस तरीके के शरारती तत्व हैं जो झूठी खबरों को अक्सर आदतन एज अ हैबिट बार बार डालते हैं। जैसे कि किसी ने हमें बताया कि कहीं पे कोई मस्जिद टूटी है बहुत साल पहले, तो उसको बार बार अलग अलग नामों से प्रचारित किया जाता है कि देखिए परसों बेंगलोर के अंदर कुछ हो गया, देखिए कल हरियाणा के अंदर कुछ हो गया। इसी तरीके से कहीं पे कोई मुस्लिम देश के अंदर अगर कोई वायलेंस हो रही है तो उसको भी अपने देश की वायलेंस बना के अक्सर ग्रुप्स पे डाला जाता है, देखिए हिंदूज के साथ ये वायलेंस बहुत बड़ी घृणित काम हो गया। तो ये जो है मेंबर्स ने बताया कि इस तरीके के मैसेजेस जो हैं वो ग्रुप्स में आते हैं और आरडब्ल्यूएस के ग्रुप्स में भी इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत कॉमन है। जो आरडब्ल्यूएस के ग्रुप्स के अंदर लोग डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में, विकास के बारे में जहां पे चर्चा करते हैं, वहां पे भी इस तरीके की चीजें जो है देखी जाती हैं। इसके बाद हेट मॉन्गर्स और जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं इसके बारे में चर्चा हुई कि कैसे सोशल मीडिया पे भी और फिजिकली भी आमतौर पे भी जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं। जैसे कल की अफवाह का भी जिक्र हुआ कि कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि जगह जगह दंगे हो रहे हैं जबकि ये झूठ पाया गया। एक और बहुत अच्छा सुझाव समिति के पास आया कि जो लोग इस तरीके की जानकारी समिति को देंगे, समिति उनके लिए रिवॉर्ड की भी सिफारिश करेगी कि उनको कुछ इनाम राशि देके उनको एज अ विसल ब्लोअर भी उन लोगों को प्रोत्साहन उनका किया जाए। इनाम राशि का जो है अभी तय नहीं किया, कुछ मेंबर्स ने प्रस्ताव किया कि इसको 10,000 रुपए की नगद इनाम राशि की प्रस्तावना जो है समिति को करनी चाहिए। एक और बहुत अच्छा सुझाव आया कि इन दंगों के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दूसरे लोगों की मदद की, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए। तो यह भी एक बड़ा अच्छा सुझाव आया कि ऐसे फरिश्ते जिन लोगों ने अपनी मजहब की दीवार को गिराकर दूसरे लोगों की मदद की, उन लोगों को भी रिवार्ड की सिफारिश जो है इस समिति को करनी चाहिए। और भी कई सारे इसके अंदर प्रस्ताव आए, जिसमें एक प्रस्ताव ये था कि जो बड़ी बड़ी ये जो कंपनीज हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनके आला अधिकारियों से भी बात की जाए कि कैसे वो मदद कर सकते हैं विधानसभा की समिति की और इस देश की, कि इस तरह के मैसेजेस फैलाने वाली जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसके ऊपर कैसे रोक लगाई जा सके। इन लोगों से भी हमारी कोशिश है कि ये लोग जो है इस तरीके की मदद कर सकें। और यही सारी जो फैसले जो है पहली मीटिंग में हुई। और एक और फैसला हुआ कि कल 3 बजे जो है समिति दोबारा मिलेगी और ये जो चीजें जो आज तय हुई हैं उनके ऊपर जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएगी।